खबर चमोली से। शहीद सूरज बिष्ट का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके गांव भारत माता की जय के साथ गूंज उठा वातावरण। पंजाब के भटिंडा में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए चमोली जिले के विकासखंड नारायणबगड़ के कंसोला गांव निवासी सूरज बिष्ट का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव कंसोला पहुंचा, जहां पर समस्त गांववासी व भारी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर भारत माता की जय और शहीद सूरज अमर रहे के नारों के साथ संपूर्ण क्षेत्र गूंज उठा। तत्पश्चात उनके पैतृक घाट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान मेजर सुरेश ने शहीद सूरज सिंह के पिता को तिरंगा झंडा सौंपा। विगत शुक्रवार को कंसोला गांव के 20 गढ़वाल राइफल में तैनात सूरज विस्ट की पंजाब के भटिंडा में घातक कमांडो ट्रेनिंग के दौरान आकस्मिक मौत हो गई थी, जिससे संपूर्ण गांव व क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से बाहर निकालकर आर्मी द्वारा अंतिम दर्शन के लिए उनके घर ले जाया गया, जहां पर उनकी माता श्रीमती पुष्पा देवी ने अपने पुत्र के शव को देखकर बेहोश हो गई। इस अवसर पर सभी की आंखें नम हो गई। तत्पश्चात उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घाट मिंग गधेरा स्थित पिंडर घाटी नदी पर लाया गया, जहां पर 20 गढ़वाल ग्रेनेडियर रुद्रप्रयाग से मेजर सुरेश की अगुवाई में गढ़वाल स्काउट जोशीमठ के 15 जवानों द्वारा सैनिक सम्मान के साथ रीत चढ़ाकर अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिकों व जनप्रतिनिधियों ने भी पुष्प गुच्छ चढ़ाकर अंतिम सलामी दी। वहीं मुखाग्नि उनके बड़े भाई पंकज द्वारा दी गई। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख सहित भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हमारे क्षेत्र का एक 25 वर्षीय युवा सूरज सिंह की शहीद होने की खबर मिली, जिससे हमें बहुत बड़ा आघात पहुंचा हुआ है और मैं शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से उस पुण्य आत्मा की ईश्वर उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये प्रार्थना करता हूं। और 25 वर्षीय युवा का शहीद होना ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन एक तरफ से ये बड़े गौरव का विषय भी है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि सेना में अपने प्राणों की आहुति देना, बलिदान देना, ये गौरव की बात भी होती है। और परिवार को शोक संतप्त देने के साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में हमारे क्षेत्र के लिए शहीद के नाम से ऐतिहासिक जो कार्य हों वो हों, ताकि शहीद का बलिदान आजीवन अमर रहे। लेकिन इसके हादसे से सारे गांव में क्या हमारे सारे लगभग सारे ब्लॉक में बहुत बड़ा मातम छाया हुआ है, लेकिन मैं धन्य करता हूँ मैं उस आदमी को जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया और ये भारत माता के लिए शहीद हुआ है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि आज तक डिफेंस में जो भी कार्रवाई होती थी तुरंत जो है गार्जियन तक पहुँचता था, लेकिन ये चौथे दिन में ये पहुँच रहा है, जिसका स्पष्टीकरण हमें नहीं हो पाया है। और मैं आशा करता हूँ कि आइंदे भी ऐसे विलम्ब वाला मामला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर परिवार की क्या स्थिति है वो हम लोग जानते हैं और इसमें तो हम सारी जवाबदेही जो है विभाग के मानेंगे और बाकी हम यहाँ पर उसकी दिवंगत आत्मा को शांति देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता भगवान दे और अपने शरण में उसको स्थान दे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुनेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।